प्रस्तुत है मेट्रो मिरर न्यूज डाइजेस्ट 16 जुलाई 2023। आमजन के लिए तपस्वी बनकर जिए स्वर्गीय कैलाश जोशी, मुख्यमंत्री श्री चौहान। देवास के ओल्ड फ्लाईओवर और हॉट पीपलिया की आईटीआई का नामकरण स्वर्ग कैलाश जी के नाम पर होगा। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती स्मरणीय प्रसंग। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रद्धेय कैलाश जोशी की जयंती पर किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने लगाए पीपल कदंब और नीम के पौधे। सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही बदल जाता है भाग्य। अकाल मृत्यु के भय से मिलती है मुक्ति। पीपीई किट पहन कर बजाए ताली और जताया विरोध। नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल जारी। शहडोल जिले में नर्सिंग ऑफिसर्स ने अनोखे अंदाज पर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ऑफिसर्स ने पीपीआई किट पहन कर ताली बजाई और विरोध जताया। बता दें कि नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल जारी है। 31 विभागों के 5,114 की नियुक्ति रहेगी अंतिम आदेश के अधीन। हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि सरकार के 31 विभागों में विभिन्न पदों के लिए होने वाली 5,114 पदों की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। जस्टिस सील नागू और जस्टिस अवनिंद्र सिंह की युगल पीठ ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की। तिलक केशवर पार्श्वनाथ उपाश्रय में चातुर्मास कर रहे आचार्य विजय वीर रत्न सूरीश्वर महाराज का देवलोक आगमन। श्वेतांबर जैन समाज में शोक की लहर। अस्वस्थ होने के कारण वे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। सीएम शिवराज के सम्मान में उतरी महिलाएं। लोक गायिकाओं नेहा सिंह राठौर से माफ़ी मांगने की मांग रखी। हाईकोर्ट ने कहा नर्सों की हड़ताल अवैधानिक, सरकार 24 घंटे में पेश करे एक्शन टेकन रिपोर्ट। सीएम शिवराज बोले देवास के ओल्ड फ्लाईओवर और हॉट पीपलिया की आईटीआई का नामकरण स्वर्गीय कैलाश जी के नाम पर होगा। आर्कटिक ग्लेशियर से हर साल 2000 टन से अधिक मीथेन उत्सर्जन। जलवायु परिवर्तन पर पड़ेगा असर। ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ डाइजेस्ट मेट्रो मिरर.com।